हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र बोला और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में। दोस्तों, इस इन्फेक्शन का नाम है हर्पेस जेनिटेलिस। दोस्तों, जैसे कि नाम में है हर्पेस, ये एक हर्पेस वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है। जेनिटेलिस यानी कि जो पुरुष और स्त्री के प्राइवेट पार्ट्स यानी जेनिटल्स पर जब इन्फेक्शन हो जाता है, हर्पेस इन्फेक्शन, उसको हम बोलते हैं हर्पेस जेनिटेलिस। दोस्तों, पूरी दुनिया में ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इसलिए इसके बारे में आज के समय में जानना बहुत ज़रूरी है। हर्पेस जेनिटेलिस इन्फेक्शन दोस्तों आज के समय में सबसे प्रमुख कारण है। अगर किसी के जेनिटल्स पर पुरुष और स्त्री के अल्सर्स हो जाए तो ये मान के चलो कि हो सकता है कि ये हर्पेस जेनिटेलिस इन्फेक्शन हो। इसका जो कॉज है वो है हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस, जिसको हम शॉर्ट में HSV वायरस बोलते हैं। HSV वायरस दो टाइप के होते हैं, HSV-1 और HSV-2। ज़्यादातर हर्पेस जेनिटेलिस इन्फेक्शन HSV-2 के वजह से होते हैं। इसके सिम्टम्स, लक्षण क्या होते हैं? स्मॉल ग्रुप ऑफ पेनफुल वेसिकल्स या पस्टुल्स विच बर्स्ट आउट टू बिकम अल्सर्स, यानी कि छोटे छोटे फुंसियाँ होती हैं जो पेनफुल होते हैं और जो आगे जाके बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं और छोटे छोटे जेनिटल्स पर अल्सर्स बन जाते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ट्रीटमेंट ऑफ हर्पेस जेनिटेलिस इन्फेक्शन। जो WHO गाइडलाइंस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की STI गाइडलाइंस, उसके अनुसार आज हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। वेल रिसर्च्ड है और जो भी रिसर्च पेपर्स हमने देखे हैं, स्टडी किया है, उसमें जो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले। फ्रेंड्स, एंटीवायरल थेरेपी में काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे कि एसाइक्लोवीर, फेमसाइक्लोवीर, वेलासाइक्लोवीर, पर आज हम आपको पिन पॉइंट बताएंगे कि कौन सी टैबलेट लेनी है, कौन सी दवा लेनी है और कितने दिन लेनी है। तो आगे आप पूरा वीडियो देखिएगा और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ट्रीटमेंट किस अवस्था में लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एपिसोड ऑफ हर्पेस जेनिटेलिस, यानी कि किसी पुरुष या स्त्री को सबसे पहली बार अटैक हुआ है हर्पेस जेनिटेलिस इन्फेक्शन का, यानी कि उनके जेनिटल्स पर छोटे छोटे वेसिकल्स बन गए हैं। अब ये फर्स्ट एपिसोड हुआ, तो फर्स्ट एपिसोड में ट्रीटमेंट हम बताएंगे आपको, जो सजेस्ट करते हैं वो है टैबलेट वेलासाइक्लोवीर। दोस्तों, टैबलेट वेलासाइक्लोवीर 500 mg, यानी कि 500 mg, ये सुबह शाम आपको 10 दिन लेनी है, 10 days। तो टैबलेट वेलासाइक्लोवीर, उसका जो ब्रांड नेम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वेलसीवीर, सिप्ला कंपनी की है, 500 एमजी की एक गोली सुबह, एक गोली शाम को खाने के पश्चात 10 दिनों के लिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको बताएंगे रिकरेंट जब इन्फेक्शन होने लग जाता है जेनिटेलिस हर्पेस का, उसका ट्रीटमेंट बताएंगे। जब रिकरेंट होने लग जाता है हर्पेस जेनिटेलिस, यानी कि फर्स्ट इन्फेक्शन आपको हो गया, पहला अटैक आकर चला गया, अब कुछ दिनों में, महीनों में, दो महीनों में आपको सेकेंड अटैक आया है या मानो थर्ड अटैक आया है, तो इसको हम बोलेंगे रिकरेंट हर्पेस जेनिटेलिस। इसको ठीक करने के लिए एपिसोडिक ट्रीटमेंट बताते हैं। इसमें हम एडवाइस करते हैं आपको टैबलेट वेलसीवीर यानी वेलासाइक्लोवीर 500 mg सुबह शाम सिर्फ 3 days, सिर्फ 3 दिन लेनी है। वेलसीवीर यानी कि वेलासाइक्लोवीर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फोटो, 500 mg सुबह शाम सिर्फ 3 दिन। एक ऑप्शन ये है रिकरेंट एपिसोड आने का, उस पर ट्रीटमेंट। दूसरा ऑप्शन इसमें हम बताते हैं फेमसाइक्लोवीर टैबलेट, जो भी एक अच्छा नया ऑप्शन निकला है आजकल एंटीवायरल ट्रीटमेंट में, फेमसाइक्लोवीर, ब्रांड नेम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, माइक्रोवीर 500 mg, ये आपको सिर्फ सिंगल डे ही लेना है, सिर्फ एक दिन का ट्रीटमेंट है। मानो कभी भी रिकरेंट एपिसोड हर्पेस का होता है, उसमें हम डॉक्टर सजेस्ट करते हैं सिंगल डे ट्रीटमेंट ऑफ फेमसाइक्लोवीर, 2 ग्राम टैबलेट लेनी है पूरे दिन में, 1000 mg सुबह, 1000 mg शाम को, तो 2 ग्राम हो गई। ये 500 mg की टैबलेट आती है, इसलिए आपको 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को लेनी पड़ेंगी। तो रिकरेंट एपिसोड ऑफ हर्पेस जेनिटेलिस के अंदर हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं ट्रीटमेंट के, एक है वेलासाइक्लोवीर 500 mg सुबह शाम 3 दिन के लिए, और दूसरा ऑप्शन है फेमसाइक्लोवीर 2 ग्राम सिंगल डे। तो दोस्तों ये कुछ ऑप्शंस है एपिसोडिक ट्रीटमेंट का रिकरेंट हर्पेस जेनिटेलिस में।
एक पॉइंट और जोड़ना चाहेंगे रिकरेंट हर्पेस जेनिटलिस इन्फेक्शन के अंदर, कि अगर आपको जब समझ में आ जाता है कि मुझको वेसिकल्स बन रहे हैं, हर्पेस का अटैक हुआ है, तो उसमें हमको क्या करना चाहिए, बहुत जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर 2 से 4 घंटों में हम ट्रीटमेंट शुरू कर दें जब हमको रिकरेंट अटैक आता है, तो इसका रिसर्च में देखा गया कि आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं बहुत अच्छा मिलते हैं और इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता नहीं है। जो पेनिस पे है या वल्वल एरिया में है या जेनिटल्स पे जो अल्सर्स बनते हैं वो ज़्यादा नहीं बनते, बहुत कम बनते हैं या जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा रिकरेंट जेनिटल इन्फेक्शन जब होता है हर्पेस का, तो तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, मानो से 2 से 4 घंटे के अंदर, तो उसके बहुत अच्छे फायदे देखने मिलते हैं। इस इंपॉर्टेंट बात को भी आप ध्यान रखेंगे। थर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन, जिसको हम बोलते हैं सप्रेसिव थेरेपी। दोस्तों, जब हर्पेस इन्फेक्शन यानी कि हर्पेस जेनिटलिस इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को बार बार आने लग जाता है, मानो 6 बार 7 बार, एक साल में 6 बार से ज़्यादा, 6 बार 7 बार 8 बार, कई बार कुछ लोगों को 10 बार से भी ज़्यादा आने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिकरेंट जेनिटल हर्पेस इन्फेक्शन, और जिससे वो परेशान हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को एपिसोडिक थेरेपी नहीं बताते जो हमने आपको पहले बताए थे। ऐसे पेशेंट में लॉन्ग टर्म सप्रेसिव थेरेपी देते हैं, लगभग 1 साल के लिए एंटीवायरल ट्रीटमेंट देते हैं, 1 साल के लिए, हो सकता है 1 साल से थोड़ा कम हो ज़्यादा हो, वो पेशेंट को हम चेक करके बताते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सप्रेसिव थेरेपी, उन लोगों को दिया जाता है जिन लोगों को बार बार, मानो 6 बार 7 बार 10 बार 10 बार से ज़्यादा एक ही साल में हर्पेस जेनिटलिस के अटैक आते हैं, तो इनको देते हैं सप्रेसिव थेरेपी। ट्रीटमेंट ऑप्शन हम बता रहे हैं, एक बहुत ही बढ़िया और लंबी चौड़ी रिसर्च हुई लंदन के अंदर, कम से कम भी 1500 से भी ज़्यादा लोगों पर, और ये जो रिपोर्ट छपी है जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस के अंदर, उसमें ये रिसर्च में पाया गया कि 1500 लोगों पर जांच की गई वेलासाइक्लोविर टैबलेट की, जिसको हम ब्रांड नेम वेलसिविर भी बोलते हैं। तो वेलासाइक्लोविर टैबलेट जब 500 mg रोज़ाना दिया गया, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने मिले। जिन पेशेंट्स के अंदर 10 से कम एपिसोड्स थे, मानो कि किन कुछ पेशेंट्स को साल में 6 बार 7 बार 8 ही बार ही जेनिटल हर्पेस के रिकरेंट इन्फेक्शन हुए थे, उन लोगों को वेलासाइक्लोविर 500 mg रोज़ाना वंस अ डे 1 साल के लिए दिया गया, 1 ईयर के लिए दिया गया, यानी कि 12 महीने के लिए दिया गया। तो उसमें ये देखा गया कि उनके जो रिकरेंट इन्फेक्शन थे आगे आने बहुत ज़्यादा कम हो गए, मानो ना के बराबर हो गए या बिल्कुल ठीक हो गए, वो हर्पेस इन्फेक्शन उनको बार बार परेशान नहीं किया। तो बहुत ही अच्छी रिसर्च फाइंडिंग है ये कि वेलासाइक्लोविर 500 mg रोज़ाना कम से कम 12 महीनों के लिए अगर हम देंगे उन पेशेंट्स को जिनको रिकरेंट जेनिटल इन्फेक्शन होते हैं, एपिसोड्स होते हैं, मानो कि 6 बार 7 बार 8 बार 10 से कम एपिसोड्स होते हैं साल में, तो उनको हम ये डोज दे सकते हैं वेलासाइक्लोविर 500 mg रोज़ाना 1 साल के लिए। अगर 10 से एपिसोड ज़्यादा आते हैं, मानो किसी को साल के अंदर 12-15 एपिसोड्स आ रहे हैं हर्पेस जेनिटलिस के लिए, उसको ये देखा गया रिसर्च में कि उनको वेलासाइक्लोविर 1 ग्राम यानी कि 1000 mg रोज़ाना 1 साल के लिए दिया जाता है। तो ऐसे में ये पाया गया कि जो रिकरेंट अटैक्स थे बिल्कुल ना के बराबर हो गए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने मिला। पेशेंट कॉम्प्लायंस भी बहुत अच्छा था, क्योंकि रोज़ाना एक ही टैबलेट लेने था, वेल टॉलरेटेड था, यानी उनके कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट्स देखने नहीं मिले। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात हम आपसे आज शेयर करना चाहेंगे, वेलासाइक्लोविर 500 mg रोज़ाना 1 साल के लिए। इसके बाद में आजकल जो नया फार्मूला निकला है, नया मेडिसिन निकला है, इसको हम बोलते हैं टैबलेट वायरल एक्स 500 mg, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर जो दवा है वो है आइनोजिन प्रेनोबैक्स। दोस्तों, आइनोजिन प्रेनोबैक्स को रिसर्च में पाया गया है, काफ़ी पेशेंट्स पर रिसर्च हुए, इसमें पाया गया कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर दवा है, यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाती है, ताकि आपके अंदर जो वायरस है, हमारे अंदर वायरस इन्फेक्शन है, उसको धीरे धीरे उसको समाप्त करती है, बॉडी को स्ट्रांग बनाती है, ताकि वो वायरस को फाइट कर सके। तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट पाया गया है कि अगर कोई पेशेंट वायरस टैबलेट 500 mg यानी कि आइनोजिन प्रेनोबैक्स ये दवा 3 से 5 महीने ले, तो हर्पेस इन्फेक्शन को ख़त्म करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे लोकल एप्लीकेशन के लिए, कि लोकली जहां पर जेनिटल्स पर जो वेसिकल्स हैं, पस्चूल्स हैं, जो छोटे छोटे अल्सर्स हैं, उनको कैसे ठीक करते हैं। तो उसके लिए सबसे जो पहली दवा आती है वो है एसाइक्लोविर लोकल एप्लीकेशन क्रीम, एसाइक्लोविर 5%, जिसका हम आपको नाम बता दें एसीवीर क्रीम। दोस्तों, एसीवीर क्रीम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको दिन में 4-5 बार लगानी है आपको आपके जेनिटल्स पे, और 5-7 दिन आप जब लगातार लगाएंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। खासकर ये काम करता है जब आपको फर्स्ट एपिसोड हो, हर्पेस इन्फेक्शन हो, तो इस बात का ध्यान रखेंगे।
एसीवीर क्रीम यानी कि सॉल्ट उसका है एसाइक्लोवीर फॉर लोकल एप्लीकेशन। और जो दूसरी लोकल एप्लीकेशन की लोकली लगाने के लिए जो दवा है क्रीम है उसका नाम है टॉपिकल जिंक सल्फेट क्रीम। टॉपिकल जिंक सल्फेट क्रीम का एक फेमस ब्रांड है, मैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ZZ क्रीम, ये ग्यूफिक कंपनी की आती है। इसके अंदर 2.5 जिंक सल्फेट है और इसका ये देखा गया कि इसको लगाने से जो अल्सर्स हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, पेन कम हो जाता है और रिकरेंट यानी वापस आने वाले जो जेनाइटल हर्पेस इन्फेक्शन है उसको भी ठीक करने में मदद करती है। तो इसका नाम है टॉपिकल जिंक सल्फेट क्रीम, ब्रांड नेम है ZZ ग्यूफिक कंपनी की, जो आसानी से अवेलेबल है। तो दोस्तों आज हमने हर्पेस जेनिटलिस इन्फेक्शन जो HSV-1 और 2 के वजह से होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। HSV इन्फेक्शन यानी कि हर्पेस जेनिटलिस इन्फेक्शन आजकल काफ़ी आम हो गया है, पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और लोगों को इस समस्या के बारे में जानकारी आसानी से नहीं मिल रही, क्योंकि हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, पेशेंट्स देखते हैं, तो हमें पता है कि पेशेंट बहुत कन्फ्यूज रहता है, क्या दवा लें क्या नहीं लें कन्फ्यूजन में रहते हैं। हमेशा वो पढ़ लेते हैं गूगल पर कि ये इसको ठीक नहीं हो सकता, वायरस बॉडी से निकलता नहीं है। पर दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं, वायरस चाहे बॉडी में रह जाए पर आप सिम्टम फ्री रहेंगे, आप अपने फैमिली लाइफ अच्छे से जी सकेंगे, आपका जो पार्टनर है आप उनको इन्फेक्शन फैलाने से बच सकेंगे। ये सब बातें आज हमने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ हम आपको और ला कर दे सकें। आप स्क्रीन पर मेरा कंसल्टेशन नंबर देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप कंसल्टेशन मुझसे कर सकते हैं, इट्स अ पेड कंसल्टेशन। आप मुझको मैसेज करें, व्हाट्सएप करें और हम आपको डिटेल्स बताएंगे। आपका हर्पेस इन्फेक्शन या और भी कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखेंगे। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।